हेलो दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एक नया रेसिपी जिसमें हम आपको दिखाएंगे रोहू मछली का बेसन और तीता साग का बेसन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो तीता साग लाए हैं उसके लिए मसाला प्रस्तुत कर किया जा रहा है। अभी मम्मी मसाला पीस रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये तीता साग है दोस्तों, अभी इसको धो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम ये जो तीता साग के लिए बेसर बनाया है और ये बेसर जो बनाया है मछली के लिए, ये देख सकते हैं भुजा हुआ मछली। ये देख सकते हैं दोस्तों, कढ़ाई चढ़ गया है, कढ़ाई के ऊपर अभी तेल डाल रहे हैं मम्मी। ये लाल मिर्च डाल दिए, अब सरसों डालेंगे। ये मसाला डाल दिए अभी मछली के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी रोहू मच्छी हम मसाले में छोड़ रहे हैं, ये करी है। सरसों रोहू मच्छी का बेसन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रोहू मच्छी अभी सरसों के मसाला में छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अभी हम इमली का जो खट्टा है उसको भी डाल दिए हैं ताकि स्वाद और बढ़ जाए। ये देख सकते हैं आम का खट्टा भी डाले हैं। ये अभी दोस्तों बन के रेडी हो गया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो मछली अभी हो गया दोस्तों, आप लोग को तीता साग का जो केला का पत्ता में अभी जलाएंगे, तीता साग को बेसर, तीता साग का बेसर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, तीता साग में अभी हम
प्याज, हरी मिर्च और नमक डाल दिए हैं। इसको अभी मिला देंगे। इसमें थोड़ा सरसों तेल भी डालेंगे। ये दोस्तों सरसों तेल भी डाल दिए। उसका बेसन भी मिलाएंगे उसी में दोस्तों, देख सकते हैं उसका बेसन भी मिला रहे हैं मसाला। अब इसको उसी में मेल्ट कर देंगे, पूरा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद केला का पत्ता में रख के उसको लपेट के फिर हम आग में रख देंगे। सकते हैं दोस्तों अभी इमली भी इसमें डालेंगे। ये देखिए इमली, उसी में इमली मिला देंगे। ये बंद कर दे। पट पाई था मेरा, देखें बाहर को लाड़ू ये देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम आग में रख दिए हैं उसको। आप देख सकते हैं दोस्तों मम्मी अभी उसको पलटी कर रहे हैं, एक साइड का हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तीता साग को निकालेंगे हम। ये हो गया है, अभी निकाल रहे हैं मम्मी तीता साग का बेसर। ये देख सकते हैं दोस्तों तीता साग अभी बन के रेडी हो गया, तीता साग का बेसर। प्रस्तुत हो गया तीता साग का बेसर। मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। ये मछली का सब्जी है जो रोहू मछली का बेसर बनाए थे, और ये तीता साग का बेसर, ये देख सकते हैं ये तीता साग का बेसर है। इसको अभी हम चावल के साथ खाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली जो वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बने रहिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली एक छोटी सी वीडियो में। नमस्कार।